गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग एग्जाम्पल करेंगे 3.10 जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, जिसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पोटेंशियोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस आर नॉट है और ये यहाँ पर एक पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाया गया है जो कि हमें इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, यानी वोल्टेज निकालना है इसके बीच का। तो ध्यान दें, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो एरो लगा है यानी कि ये जो कनेक्शन है इस आर नॉट के बिल्कुल मिडल पर है, उसने क्वेश्चन में कहा है। तो जब मिडल पे है तो इसको हम कुछ ऐसा समझ लें, ये पॉइंट बी है और जब चूंकि मिडल पे है तो आधा रेजिस्टेंस इधर बटेगा और आधा रेजिस्टेंस इधर बटेगा, तो ये डिवाइड हो गया आर नॉट बाई टू और आर नॉट बाई टू, ठीक है। और ये इसके पैरेलल में है वो हम आर लिख दे रहे हैं। इसको कहने का मतलब ये है कि ये जो रेजिस्टेंस है आर नॉट बाई टू, ये आर, ये दोनों पैरेलल में है। तो अगर हम पैरेलल में इसका रेजिस्टेंस फाइंड कर लें तो हम रेजिस्टेंस इन दोनों का मान लें कि आर वन है, तो वन अपॉन आर वन, यानी इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं पहले, वन अपॉन आर वन, वन अपॉन आर प्लस आर नॉट बाई टू। तो अब देखिए टू ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, टू बाई आर नॉट। यहाँ पर R और R नॉट हमारा LCM हो जाएगा, तो R नॉट प्लस 2R। अब इसको हम रिवर्स कर देंगे तो R1 की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, R R नॉट डिवाइड बाई R नॉट प्लस 2R। तो इसके बीच का पोटेंशियल हमको पता चल, सॉरी इसके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता चल गया, इसको हमने नाम दिया R1। यहाँ पॉइंट B है और ये अभी भी R नॉट बाई 2 है, ठीक है। ये पॉइंट सी और ये पॉइंट ए है। अब चूंकि हम पहले देखिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इसके बीच, तो जो इसके बीच का होगा यानी जो इसके बीच का होगा वही इसके बीच का भी होगा और वही जो रेजिस्टेंस को हमने इक्विवेलेंट किया वही इसके बीच का भी होगा। समझिए बात को, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है तो जो वोल्टेज इसका होगा वही इसका होगा और वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हमने फाइंड किया वही इसका भी होगा, ठीक है। तो यानी अगर हम इसके बीच का वोल्टेज निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा, वही R के, चूंकि R के बीच पूछ रहा है तो अगर हम R1 के बीच निकाल लें तो वही R का भी होगा, वही R0 बाई 2 का भी होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं। तो पहले सबसे हमें करंट निकालनी पड़ेगी कि ये पूरा सर्किट जो है पोटेंशियोमीटर करंट कितनी फ्लो करा रहा है। तो देखिए करंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, करंट निकालने के लिए हम लोग मान लें I करंट है, तो I करंट क्या होता है, वोल्टेज और अपॉन रेजिस्टेंस। अब इसका रेजिस्टेंस कितना है R1 और प्लस इसका रेजिस्टेंस कितना है, चूंकि सीरीज में है तो सीरीज में तो ऐसे ही ऐड करते हैं। अब R1 के अभी वैल्यू नहीं पुट करेंगे, 2 LCM ले लीजिए तो 2 चला जाएगा ऊपर, 2V अपॉन 2R1 प्लस R0, ये हमारा करंट आ गया। अब हमको क्या पता करना है, हमको पता करना है वोल्टेज इसके बीच का। तो हमने आपको बताया ना जो इसके बीच का वोल्टेज होगा वही इसके बीच का वोल्टेज होगा और वही इनका जो इक्विवेलेंट होगा वही उनके बीच का वोल्टेज होगा। तो हम क्या करें, इसके बीच का वोल्टेज पता कर लें। तो वोल्टेज क्या होगा, करंट और इनटू रेजिस्टेंस, इसके बीच का रेजिस्टेंस आर वन, ठीक है। अब यहाँ देखिए करंट तो हमारी इतनी है तो हम लिख दें 2V अपॉन 2R1 प्लस R0 और R1 की वैल्यू ये रखी हुई है तो इसको हम R R0 डिवाइड बाय ब्रैकेट में लिख दें R0 प्लस 2R। अब यहाँ पर देखिए R1 की जो वैल्यू है वो R1 की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी, तो हम क्या लिख सकते हैं 2V और R1 की वैल्यू क्या लिख दें, ये वाली 2R R0, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें बाकी और कुछ भी नहीं है, और प्लस आर नॉट और बाकी जो लिखा है वो हमारा वैल्यू पुट कर देंगे आर नॉट प्लस टू आर। अब देखिए यहाँ से आर नॉट का कॉमन हो रहा है तो क्या करें, हम इसका कॉमन ले लें तो थोड़ा सा इधर आ जाएं, टू वी और यहाँ पर आर नॉट कॉमन हो गया तो क्या बनेगा, टू आर अपॉन आर नॉट प्लस टू आर और प्लस वन, ठीक है। यहाँ से आर नॉट कॉमन लिया है तो आर आर नॉट डिवाइड बाई आर नॉट प्लस टू आर, ये अलग हमारा है। अब देखिए ये आर नॉट कैंसिल हो रहा है
ठीक है। अब देखिए इसके आगे, ये बने बचेगा 2VR, तो 2VR। अब नीचे देखिए, यहाँ 1 है, तो इसमें अगर हम सॉल्व करेंगे इसको LCM लेकर के, तो क्या बनेगा 2R प्लस, ये उधर चला जाएगा, LCM तो कर ही सकते हैं हम लोग 2R, और LCM आ जाएगा R नॉट प्लस 2R, ठीक है। इसको ब्रैकेट में रखें, और R नॉट प्लस 2R ये इधर रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि R नॉट प्लस 2R और R नॉट प्लस 2R ये दोनों ही कैंसिल हो रहे हैं, क्योंकि एक नीचे एक ऊपर है। अब क्या बचा हमारा 2VR, 2VR, ठीक है। ये वो जो ये V है ना, V यहाँ पर आप VAB लिख दीजिए, A और B के बीच, नहीं तो कन्फ्यूज़न होगा, दो V हो गए ना, ये वोल्टेज है A और B के बीच, तो कन्फ्यूज़न ना हो जिससे। अब यहाँ पर देखिए क्या बचा, 2R, 2R में लेके 4R हो जाएगा, तो R नॉट प्लस 4R, यही वोल्टेज हमको पता करना था A और B के बीच, जो कि हम लोगों ने निकाला है इसके बीच में।